सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आ गया हूँ एक और नई मेडिसिन के साथ में, एक और नई वीडियो लेके। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस क्रीम के बारे में जिसका नाम है डर्मीफोर्ड क्रीम। जानेंगे इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी, किस यूज़ के लिए आती है, क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, कितने ग्राम के पैक में आती है, क्या MRP है और कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और क्या है इसके अंदर केमिकल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नीचे बेल आइकन भी आ रहा है उसको दबा लें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो क्रीम जिसका नाम है डर्मीफोर्ड क्रीम। और बात करेंगे इसे केमिकल नेम की, इसके पैक की, इसके MRP की। इसमें 4-5 तरीके के केमिकल पड़े हुए हैं। जो पहला केमिकल है वो कीटोकोनाजोल, जो दूसरा है वो है नियोमाइसिन, जो तीसरा है वो है लोडोक्लोहाइड्रोक्सी क्यूरोलाइन टोनलफ्टेट एंड चौथा जो है लास्ट है क्लोबिटासोल। सो ये एक एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल और एक स्टेरॉइड क्रीम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार की स्किन में एलर्जी हो रही हो, इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उन सभी बीमारियों में इसको जो है लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपको कोई खुजली है, दाद है, खाज है और कोई चकत्ते से पड़ रहे हैं, उन सभी परेशानियों में इस क्रीम को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने का तरीका होता है बहुत सिंपल है, सुबह शाम लगाया जाता है, उस जगह को बढ़िया से साफ़ करके ट्राई करके तब इस क्रीम को अप्लाई किया जाता है। और मैं स्क्रीन में फ़ोटो डाल दूंगा कि किस प्रकार की जो एलर्जी अगर आपको हो रही है, अगर जो ये फ़ोटो आ रही होंगी आपके स्क्रीन पे, अगर इस टाइप की आपको एलर्जी हो रही है, दाग है, धब्बे हैं, रिंग वॉर्म है, तो उन सभी आप इन्फेक्शन में इस क्रीम को आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस सारी जो भी आपको अभी स्क्रीन में फ़ोटो आ रही होंगी इनको देख लो आप, अगर इस प्रकार की आपको एलर्जी हो रही है किसी को भी तो वो इस क्रीम को यूज़ कर सकता है। सो अब बात करेंगे इसके पैक की। देखिए मेरे हाथ में जो पैक है ये 25 ग्राम का है जिसकी MRP 100 रुपीज़ की है। इसका एक और आता है छोटा पैक जो 15 ग्राम का होता है जिसकी MRP होती है 85 रुपीज़। तो दोनों में से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी इस क्रीम की हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये पैक है इसका और ये कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग है। और इस क्रीम को जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका नाम है लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड। देखिए इस प्रकार की ये पैक होती है। तो जब भी आप ये क्रीम परचेज करें तो सबसे पहले चेक करनी है वो जो क्रीम हो सील्ड पैक है कि नहीं। देखिए सो मैंने इस क्रीम का आपको बेनिफिट और यूज जो है वो बता दिया है। सो बात करें अगर से साइड इफ़ेक्ट की, इस क्रीम को अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो स्किन जो है ना वो हल्की लाल हो सकती है और स्किन जो है वो पतली हो सकती है। सो जैसे ही आपकी परेशानी ठीक हो जाती है आप इस क्रीम को छोड़ सकते हैं, और अगर आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर एडवाइस ले लें। सो बस ये था इस क्रीम का रिव्यू। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और इस क्रीम के बारे में सारी जानकारी मिली हो। और अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन हो इस क्रीम को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब भी आपको दे पाऊँ। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।